हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, हम भी यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ नेहा एंड हम यूके की लाइफस्टाइल के बारे में ब्लॉग बनाते हैं। गाइस, अभी सुबह के 8 बजे। टुडे इज 26th of August। आप देख सकते हैं जो वेदर है, क्वाइट ब्राइट, अमेजिंग, 13 डिग्री, अल बिचली, बट सन है तो सब कुछ है गाइस। एंड आज मैं थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी हैप्पी हैप्पी हैप्पी, थोड़ी ज़्यादा हैप्पी साउंड कर रही हूँ। इसका भी एक रीज़न है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ओके, आज है 26, टुमारो 27th of August। वेरी 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 बिग डे फॉर अस, बिकॉज कल हमारे मुखिया का जन्मदिन है, विच इज कल नीरव का बर्थडे है गाइस। इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग बिकॉज हम 3 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हम 3 दिन के व्लॉग निकालने वाले हैं। इट्स गोना बी लाइक पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके सीरीज डालने वाले हैं। एंड यू नो, हम जहाँ पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे हम कारावान में रुकने वाले हैं, सो इट्स गोना बी किचन इंक्लूडेड। एनीवे, हमने ऐसे ही बुक किया है क्योंकि हमें बाहर का खाना बिल्कुल नहीं जमता गाइस। सो हम एक्चुअली, मुझे आपको किसी से मिलवाना है, सो इट्स गोना बी माय स्मॉल किचन दैट मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि हमें बाहर का नहीं जमता, सो हम खाना वगैरह वहीं पर ही बनाने वाले हैं गाइस। सो चलिए, आइए सबसे पहले मैं अपने छोटे से किचन से मिलवाती हूँ। चलिए, यस गाइस, ये हमारा छोटा सा किचन, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑलराइट, ये है सेव। सो हम वहां पे सेव टमाटर की सब्जी बनाने वाले हैं। सो वी जस्ट हैड दिस, सम क्रिस्प कुकीज, सुकाडी ने मैंने आपिस, ओके आप लोग बताओ। वाह वेदू, मैंने हाय कह दे, ओके वेदू सुसु ले जावानी छे, आई एम दिस, ओके व्हाट इज दिस क्रिस्प, अबे तू मारते छे ने, ओके सुबह नाश्ता के लिए। इसमें क्या क्या बाकी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी डालने का। नमक, दिस इज डिस्पोजेबल ग्लासेस, लेमन, वेदू क्या पूछे, जीरा खाना पकाने के लिए, गार्लिक, सम टिश्यूज, सम प्लेट्स डिस्पोजेबल एंड द प्लास्टिक टुगेदर, प्लेट्स अगेन, स्पून्स एंड दैट डिस्पोजेबल ग्लास, मसाले, राई जीरा, टी, सबसे इंपॉर्टेंट है ना नीरू? यस, टी बैग एंड आटा चपाती बनाने के लिए। नो 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 नो, डेंजर है चपाती बनाने के लिए, एसो फ्रीडा एंड बर्तन, सम बर्तन। सो अभी हमें इसमें डालना है, हमने खाखरे लिए हैं सुबह नाश्ता के लिए, वो बाकी है, फिर सम वेजिटेबल्स वो बाकी है क्योंकि हम सेव टमाटर की सब्जी बनाने वाले हैं, सो सम टमाटर ऐड करने बाकी है एंड दैट्स रियली इट गाइस, क्योंकि ये सारी डिस्पोजेबल चीज हमने इसीलिए ली है कि हमें बर्तन धोने की प्रॉब्लम ना रहे, कुकर वगैरह ये सारी चीजें, बेलन, ये सारी चीजें हमें अभी डालनी बाकी है। सो यस, ये है हमारा छोटा सा किचन and that's it guys. All right, so I came to upstairs abhi, kuch kapde nikale hain le jane ke liye, dekhiye abhi dikhati hu kapde jo hai wo maine ready karke rakhe mere vedehi ke and vian ke, nirav ke abhi baki hai, so ye jayega abhi bag ke andar. So yes guys, sara kuch ho chuka hai, sara kuch हमने पैकिंग कर लिया है, सारी जो चीज़ें हैं वो एंड एंड में जो ना लास्ट में हमने डालनी होती है, क्योंकि अभी ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें यूज़ करनी होती है, फॉर एग्जांपल बेलन है, कुकर है, ये सारी चीज़ें, एंड यस हमें शुगर भी डालनी है, सो कुछ याद करके ये सारी चीज़ें हम लास्ट में डालने वाले हैं एंड वो लास्ट में करेंगे। एक दूसरी अपडेट मुझे आपको देनी थी हमारे गार्डन के बारे में। हमारे गार्डन में छोटे छोटे बैंगन आए हैं गाइस, लेट मी शो यू। ओके, आप देख सकते हैं ये फ्लावर है,
इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ना वो छोटे छोटे बैंगन है, लेकिन इससे बड़े भी आए हैं। लेट मी शो इट टू यू, कैन यू सी? एंड हियर एज वेल। भरेला रींगणा बटेटानु शाक गाइस, गुजराती गाइस। यस, काफी दिनों से हमने जो बटर है वो घर पे लाके रखा है, उसका हमें घी बनाना है, सो वो मैं आज बनाने जा रही थी, तो आई थॉट कि आपके साथ वो रेसिपी मैं शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स गो एंड सी द रेसिपी फर्स्ट, पर लेकिन उसके बाद मैं ये व्लॉग का एंड करने वाली हूँ, सो आई थॉट लेट मी जस्ट टेक द एंडिंग हियर। सो यस, आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, बिकॉज यू नो ये जो वीडियो है उसकी पूरी की पूरी सीरीज बनने वाली है। सीरीज गोना बी कॉल्ड नीरोस बर्थडे सीरीज, लाइक पार्ट वन एंड देन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री ऐसे। तो इफ यू डू वॉन्ट टू वॉच इट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड वॉच इट, एंड यस, सो टिल देन अपना बहुत ही सारा ख्याल रखिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, एंड तब तक आप जाइए एंड मेरी जो घी बनाने की रेसिपी है वो देख के आइए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। ओके, बुआ ने यहाँ पे फ्लेम ऑलरेडी चला के रखी है, एंड ये जो बटर है, ये बटर कौन सा बटर है दिखाइए। तो ये जो बटर है इस कॉल्ड अनसोल्टेड बटर, एंड ये जो है वो 500 ग्राम का पूरा ब्लॉक है, तो जो है वो निकाल के बुआ जो है वो इसके अंदर डाल रही है। हाल से नहीं, हाल से ना कीजिए, एमने माल से पे। बुआ ने अभी मीडियम टू हाई फ्लेम रखी है, पछी हलावानू ने भाई। हाँ, पछी हलावानू धीमे धीमे, थोड़ी वार पछी गैस ने धीमो कर नाखू। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये सारा जो बटर है वो पिघलता जा रहा है। ये जो बटर का ब्लॉक है वो पिघल जाने के बाद हम जो गैस की फ्लेम है वो धीरे कर देंगे। ओके, इसको ऐसे स्टर करते रहना है, अदरवाइज जो मक्खन है वो नीचे बैठ सकता है, सो यू नीड टू कीप स्टरिंग दैट। ओके, ये जो ब्लॉक्स है वो ऑलमोस्ट एकदम से मेल्ट हो चुके हैं, तो अभी इसको हम इस टाइम पे धीमी करेंगे, इसको धीमी आंच पे ऐसे ही इसको स्टर करते रहेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी जो झाग है वो थोड़े थोड़े आ चुके हैं, लेकिन ये जो घी है वो थोड़ी देर के बाद एकदम से क्लियर ऊपर के आएगा, एंड उसके बाद हम इसको बंद करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर। सो अभी क्या होगा, धीरे धीरे मक्खन में से जो कीटू है वो एकदम से अलग पड़ जाएगा, एंड धीरे धीरे वो एकदम से प्योर, यू कैन सी येलो प्योर घी आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद। आप देख सकते हैं घी का कलर जो है वो डार्क येलो होता जा रहा है, एंड जो कीटू है वो अलग होता जा रहा है, जो घी है एकदम क्लियर होता जा रहा है। आप देख सकते हैं जो कीटू है वो अलग हो रहा है, सो इसको हमें एकदम से अलग करना है, एंड जो घी है उसको निकालना है। सो बेसिकली इट्स नीली डन, देखिए इट्स नीली डन, देख सकते हैं कितना अच्छा सा जो घी का कलर है वो निखर के आया है। इस प्योर गाय का घी गाइस। ओके, सो इसी पॉइंट में गैस की फ्लेम जो है वो हम बंद करेंगे, एंड ऐसे उसको रख देंगे। यू नो इसमें क्या होगा, जब ये जम जाएगा ना कंटेनर में हम डालेंगे, फिर उसके बाद जो जम जाएगा ना वो एकदम कणीदार हो जाएगा, छोटे छोटे बिट्स, इट्स लाइक अ प्योर घी। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, एंड अभी हम इसको एक कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। सो
सो आप देख सकते हैं गाइस, इट्स गोना बी मे बी 700 ग्राम्स और मे बी 600-700 ग्राम्स, एंड जब ये जम जाएगा ना, इट्स गोना बी दानेदार, सो इट्स गोना बी अमेजिंग गाइस।